भारत माता की, भारत माता की। राजस्थान प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री मदनलाल सैनी जी, प्रतिपक्ष के नेता श्री गुलाबचंद कटारिया जी, पूर्व मुख्यमंत्री बहन वसुंधरा जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव और विशाल संख्या में हमें आशीर्वाद देने के लिए पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जय श्री डिग्गी कल्याण धणी जी, अन्नपूर्णा डूंगरी गणेश जी ने वंदन, भगवान श्री देवनारायण जी री धरती, मांडव ऋषि री तपोभूमि, टांक में नमन, सर्व धर्म समभाव री नगरी, विश्व कल्याण री भावना निभाव तो शहर, महिला शिक्षा री अलग जगाव तो टांक, अठेरा सपूता अठेरी जनता न गणो घणो नमन, आप सवारो अभिनंदन। मैं सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपकी क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मैं हेलीकॉप्टर से देख रहा था ये मंडप के अंदर जितने लोग हैं उससे दो गुना ज्यादा लोग बाहर धूप में तप रहे हैं। जो बाहर धूप में तप रहे हैं, हमारा ये पंडाल छोटा पड़ गया। जो धूप में तप रहे हैं उनको जो असुविधा हुई है उसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनकी क्षमा मांगता हूं। भाई और बहनों, टोंक और सवाई माधोपुर की धरती से मैं पुलवामा में बलिदान होने वाले वीर शहीदों को नमन करता हूं, और इसमें राजस्थान तो कभी पीछे नहीं होता है। इस शहादत में भी राजस्थान के वीरों ने अपनी बहादुरी दिखाई है, मैं उनको भी नमन करता हूं। मैं इन वीर सपूतों को जन्म देने वाली माताओं और उनके परिवार को कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से फिर से अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। आप सभी ने राष्ट्र रक्षा के लिए बहुत बड़ा त्याग किया है। आप जैसे लाखों परिवारों के साहस और बुलंद हौसले के कारण ही भारत आज सीना तानकर विश्व पटल पर खड़ा है। साथियों, संपूर्ण देश तो आपके साथ है ही, आज पूरा विश्व भी आपके साथ है। दुनिया के ज्यादातर देश, दुनिया की हर बड़ी संस्था आज पुलवामा में करवाए गए आतंकी हमले के खिलाफ एकजुट है, एक स्वर से बोल रही है। मुझे अपने वीर जवानों पर गर्व है जिन्होंने 100 घंटे के भीतर ही अपने साथियों पर हुए हमले के एक बड़े गुनहगार को
वहां पहुंचा दिया जहां उसकी जगह थी। सीमा पार डटे सैनिकों पर, मोदी सरकार पर और मां भवानी के आशीर्वाद पर भरोसा रखिए। इस बार सबका हिसाब होगा, हिसाब पूरा होगा। मैं राजस्थान के लोगों से जानना चाहता हूं, मानवता के ऐसे दुश्मनों को सबक सिखाना चाहिए कि नहीं सिखाना चाहिए? इंसानियत के ऐसे दुश्मनों का चुन चुन करके हिसाब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दुनिया भर में इनका दाना पानी बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? साथियों, आपका ये प्रधान सेवक इसी काम में जुटा है। दुनिया में तब तक शांति संभव नहीं है जब तक आतंक की ये फैक्ट्री ऐसे ही चलती रहेगी। आतंक की इस फैक्ट्री पर ताला लगाने का काम भी अगर मेरे ही हिस्से लिखा है तो ऐसा ही सही। आज आतंक के विरुद्ध पूरी दुनिया में एक व्यापक मत बन चुका है। आतंक के गुनहगारों को सजा देने के लिए हर मोर्चे पर मजबूती के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। ये संकल्प सिर्फ मोदी का नहीं है, 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का है, क्योंकि ये राजनीति से ऊपर राष्ट्रनीति का, राष्ट्र की सुरक्षा और स्वाभिमान का सवाल है। भाइयों और बहनों, पुलवामा हमले के बाद आपने भी देखा है कि कैसे एक एक करके पाकिस्तान का हिसाब लिया जा रहा है। हमारी सरकार के फैसलों की वजह से वहां हड़कंप मचा हुआ है। देश में रहते हुए अलगाववाद को हवा दे रहे लोगों पर भी कार्रवाई सख्त हुई है और सख्त होती रहेगी। साथियों, अब ये बदला हुआ हिंदुस्तान है, ये दर्द सरकार चुपचाप नहीं, ये दर्द सह करके हम चुपचाप नहीं बैठते। हम आतंक को कुचलना भी जानते हैं। ये नई रीति और नई नीति वाला भारत है, लेकिन मैं आज राजस्थान की इस वीर धरती से, मैं देश के आक्रोश से भरी हुई जनता को, विशेषकर युवाओं से भी कुछ आग्रह करना चाहता हूं। सेना को हमने पूरी तरह खुली छूट दे दी है,
और मैं देख रहा हूं कि इन दिनों सोशल मीडिया पर जैसे वीर रस की बाढ़ आई है, वीर रस की बाढ़ आई है। लेकिन भाइयों बहनों, हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है, मानवता के दुश्मनों के खिलाफ है। हमारी लड़ाई कश्मीर के लिए है, कश्मीर के खिलाफ नहीं है। कश्मीरियों के खिलाफ नहीं है। पिछले दिनों कहां क्या हुआ, घटना छोटी थी कि बड़ी थी, कश्मीरी बच्चों के साथ हिंदुस्तान के किसी कोने में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुद्दा यह नहीं है। इस देश में ऐसा होना नहीं चाहिए। कश्मीर का बच्चा बच्चा वो भी इन आतंकवादियों से परेशान है, वो भी आतंकवाद को खत्म करने के लिए हमारे साथ आने के लिए तैयार है। हमें उसको साथ रखना है। आपने देखा होगा अमरनाथ की यात्रा, देश से लाखों श्रद्धालु जाते हैं, अगर उनकी कोई देखभाल करता है तो ये मेरा कश्मीर का बच्चा करता है, कश्मीर के लोग करते हैं। एक साल पूर्व अमरनाथ यात्रियों पर गोली चली थी और आपने टीवी पर देखा होगा उन यात्रियों को जब गोलियां लगी वे घायल हुए तो उनको खून देने के लिए कश्मीर के मुसलमान कतार लगा करके खड़े हो गए थे, हिंदुस्तानियों की जान बचाने के लिए खड़े हुए थे। आज भी कश्मीर में जैसे हिंदुस्तान के जवान मरते हैं, शहीद होते हैं, वैसे कश्मीर के लाल भी ये आतंकवादियों की गोलियों से शहीद होते हैं। और इसलिए जब कुछ लोग भले वो दो हो, चार हो, पांच हो, लेकिन ऐसे लोगों की ऐसी हरकतें उन लोगों को ताकत देती है जो भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग वालों को आशीर्वाद देने जाते हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह ये नारा देने वाले लोगों को, आशीर्वाद देने वालों को ताकत देने का पाप मेरे देश का कोई नागरिक नहीं करेगा। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में मेरा कश्मीर का लाल, उसकी हिफाजत करना मेरे हिंदुस्तान के हर नागरिक का काम है। बताओ भाइयों, हाथ उठाकर, आप ये जिम्मेवारी निभाओगे क्या? मैं देश से अनुरोध करता हूं, हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है, मानवता के दुश्मन जो है उनके खिलाफ है। और मैं कश्मीर के मेरे भाइयों बहनों को भी विश्वास दिलाता हूं, 40 साल से आप भी आतंकवाद के भुक्तभोगी हो। 3 जिलों में कुछ मुट्ठी भर लोगों की पनाह से ये खेल चलता रहा है, चाहे जम्मू हो, लद्दाख हो, कश्मीर के और इलाके हो, वे आज भी शांति चाहते हैं। आप जानकर के हैरान हो जाओगे, कभी बहुत सी बातें मीडिया में सुनने को नहीं मिलती है। 2 साल पहले कश्मीर के पुराने पंच सरपंच, क्योंकि कई वर्षों से वहां चुनाव नहीं हुआ था, 100 से ज्यादा पंच सरपंच प्रधानमंत्री निवास स्थान पर मुझे मिलने आए थे, सारे कश्मीर घाटी के से। तो मैंने उनसे कहा आप आए हैं
मुझे खुशी है, उनकी मांग थी कि चुनाव करवाओ। वहां पंचायत के चुनाव नहीं हो रहे थे, अभी पंचायत के चुनाव हो गए और आप जानकर के खुशी होंगे 70-75% मतदान करके पंचायत के चुनाव में लोगों ने हिस्सेदारी की है। भाइयों बहनों, उन सरपंचों से मैंने कहा था 2 साल पहले, तब तो सरपंच नहीं रहे थे लेकिन पहले सरपंच थे, मैंने उनसे कहा आप मुझे एक वादा करिए और वादा निभाना होगा। तो मेरे कश्मीर घाटी के इन भाइयों बहनों ने मुझे कहा कि मोदी जी आप कहिए, हम अपना सर कटा देंगे लेकिन वादा नहीं तोड़ेंगे। मैंने कहा लेकिन आपने मेरा, मैं क्या मांगता हूं वो तो सुना नहीं है। बोले आप कुछ भी कहिए हम पूरा करेंगे। और मेरे भाइयों बहनों, मैं देश के सामने पहली बार ये घटना सुना रहा हूं, मैंने उनसे कहा कश्मीर घाटी के पंच सरपंचों से मैंने कहा कि आप घाटी में ये आतंकवादी स्कूलें जला रहे हैं, इसको बंद करवाइए, किसी भी हालत में होना नहीं चाहिए। सबके सब पंच सरपंच ने मुझे कहा कि मोदी जी इसके बाद हम जान की बाजी लगा देंगे लेकिन आतंकवादियों को स्कूल जलाने नहीं देंगे। मैंने उनसे कहा था जब आतंकवादी स्कूल जलाता है तब इमारत नहीं जलाता है, आपके बच्चों का भविष्य जलाता है। और आज मैं गर्व के साथ कहता हूं कि मेरे कश्मीर के घाटी के उस पंच सरपंचों ने आज 2 साल हो गए एक भी स्कूल जलने नहीं दिया है। आतंकवादियों को पकड़वा दिया, आतंकवादियों की खबर पुलिस को दी लेकिन स्कूल जलने नहीं दिया है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, गलती से भी अगर हमें लड़ाई जीतनी है, आतंकवाद को जड़ से उखाड़ना है, तो हम गलती न करें। आतंकवादी है, कश्मीरी आज भी आतंकवादियों के कारण मुसीबतें झेल रहा है, वो भी उससे मुक्ति चाहता है। लेकिन पहले सरकारों ने ऐसे बीज बोए कि उनके सपने पूरे नहीं हुए, आज कश्मीरियों के सपने अगर कोई पूरा करेगा तो यही हिंदुस्तान करेगा, यही हिंदुस्तान की सरकार करेगी। मेरे भाइयों बहनों, पाकिस्तान में नई सरकार बनी तो स्वाभाविक है जो नए प्रधानमंत्री बने थे प्रोटोकॉल के तहत मैंने उनको फोन करके बधाई दी थी। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री क्रिकेटर के रूप में तो लोग उनको जानते हैं, और मैंने उनसे कहा था बहुत लड़ लिया हिंदुस्तान पाकिस्तान ने, पाकिस्तान ने कुछ नहीं पाया, हर लड़ाई हमारे वीर जीत चुके हैं और यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। और मैंने उनसे कहा था कि अब आप तो राजनीति में आए हो, खेल की दुनिया से आए हो, आओ भारत और पाकिस्तान मिलकर के हम गरीबी के खिलाफ लड़े, अशिक्षा के खिलाफ लड़े, अश्रद्धा के खिलाफ लड़े। ये बात मैंने उनको उस दिन कही थी और उन्होंने मुझे एक बार और भी बताई थी कि मोदी जी मैं पठान का बच्चा हूं, मैं सच्चा बोलता हूं, सच्चा करता हूं। आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की इन शब्दों को कसौटी पर कसने की जरूरत है, मैं देखता हूं वो अपने शब्दों पर खड़े उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं। भाइयों बहनों, आज इस अवसर पर मैं हर उस हिंदुस्तानी का भी आभार व्यक्त करता हूं जो शहीदों के परिवारों की आर्थिक तौर पर मदद के लिए आगे आए हैं। मुझे बताया गया है
कि यहां टोंक के महंदवास गांव के लोगों ने भी काफी राशि इकट्ठी करके शासन को सौंपी है ताकि शहीदों के परिवारों की सहायता की जा सके। उन गांववासियों को मेरा नमन। भाइयों और बहनों, आज प्रत्येक हिंदुस्तानी देश की सेना के साथ है, देश की भावनाओं के साथ है, लेकिन मुझे मुट्ठी भर उन लोगों पर अफसोस होता है जो भारत में रहते हुए पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। भाइयों बहनों, ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान जाकर कहते हैं कुछ भी करो लेकिन मोदी को हटाओ। ये वही लोग हैं जो मुंबई हमले के बाद आतंक के सरपरस्तों को जवाब देने की हिम्मत नहीं दिखा पाए थे। ऐसे लोग न देश के जवान के हैं और न ही देश के किसान के हैं। यही इसी राजस्थान में इन्हीं लोगों ने कहा था कि अगर सत्ता में आए तो 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। ऐसा कहा था ना? 10 दिन पूरे हो गए क्या? उनके तो कैलेंडर में 10 दिन पूरे होते ही नहीं है। 55 साल एक परिवार ने राज किया तो भी उनको लगता है कि वो कुछ करने के लिए कुछ और चाहिए। भाइयों बहनों, आप बताइए, क्या वादे के मुताबिक कर्ज माफी हुई क्या? जरा पूरी ताकत से बताओ, देश सुने, क्या कर्ज माफी हुई क्या? 10 दिन का वादा किया था कि नहीं किया था? और अभी हमारे विपक्ष के नेता गुलाब चंद जी कटारिया बता रहे थे कि जरा हिम्मत है तो आंकड़े घोषित करो, आंकड़े घोषित करो, कितना रुपया दिया, किस किसान को दिया, नहीं करेंगे। ये झूठ बोलना इनकी फितरत में है जी। क्या ये बड़ी बड़ी बातें करने वालों ने अपना वादा निभाया क्या? भाइयों और बहनों, इन लोगों की कर्ज माफी की कलाई भी हर प्रकार से हर रोज खुल रही है। देश के किसानों से विश्वासघात करने का इनका तरीका अब पूरी तरह खुल करके सामने आ गया है। साथियों, जुबानी जमा खर्च करने वालों को राजस्थान की परंपरा का भान नहीं है। ये वो राजस्थान की धरती है, यहां जुबान की क्या कीमत होती है ये आज के ये लोगों को पता तक नहीं है। राजस्थान एक बार जुबान दे देता है तो जुबान के लिए जिंदगी दे देता है। लेकिन बोल दिया, 10 दिन बोल दिया, अब कुछ नहीं, खो गए। उन्होंने जो किया वो उनका कर्म है। भाजपा का केंद्रीय सरकार के संस्कार अलग है। हमारी सरकार जो वादा करती है वो निभाती भी है। हमने किसानों से एमएसपी लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य देने का वादा किया था, उसको पिछले ही साल पूरा किया जा चुका है। इस बजट में हमारी सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि नाम से एक ऐतिहासिक योजना भी लेकर आई है। ये वैसी योजना नहीं है जैसी कांग्रेस हर 10 वर्ष के अंतर पर लाती है। आपको याद होगा, कांग्रेस साल 2008 में कर्ज माफी लेकर आई थी और चुनाव के पहले कर्ज माफी का उनको बुखार आता है और कहने के लिए 50-55 हजार करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया गया था।
और उसका लाभ भी औसतन 100 अगर किसान है कुल तो मुश्किल से 20 या 25 किसान को ही उसका लाभ मिला था, और वो भी जिन्होंने बैंक से लोन लिया था, शराब से जो पैसे लेके आए थे वो तो लूटते ही रह गए। साथियों, हमने जो योजना बनाई है उससे देश के औसतन 100 में से लगभग 90 किसानों को सीधा लाभ मिलने वाला है। उनकी योजना से कितनों को लाभ? 20-25 को। हमारी योजना से कितनों को लाभ? 100 में से 90 को। मुझे बताइए, हमारी योजना किसान का भला करेगी कि नहीं करेगी? करेगी कि नहीं करेगी? भाइयों बहनों, और वो एक बार नहीं, हर साल मिलेगा, ये सबसे बड़ी बात है। अगर कांग्रेस की योजना से तुलना करूं तो आने वाले 10 वर्षों में हमने जो योजना बनाई है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना से 7.5 लाख करोड़ रुपया, याद रखिए 7.5 लाख करोड़ रुपया सीधा किसानों के बैंक खातों में जमा होने वाला है, और ये तो अभी शुरुआत है। सोचिए कहां 50-55 हजार करोड़ और कहां 7.5 लाख करोड़ रुपया। ये होती है साफ नियत और ये होती है सही नीति। साथियों, राजस्थान के लगभग 50 लाख ऐसे किसान परिवारों को जिनके पास 5 एकड़ या उससे कम जमीन है, उनको इस योजना का लाभ मिलने वाला है। इससे बीज, खाद और कीटनाशक जैसी छोटी छोटी जरूरतों के लिए किसान को किसी दूसरे से भारी ब्याज पर कर्ज लेने की मजबूरी से मुक्ति मिल जाएगी। भाइयों और बहनों, खेती के साथ साथ पशुधन को बेहतर बनाने के लिए गौ माता और गौ वंश की सुरक्षा और संवर्धन के लिए भी अहम फैसला लिया गया है। अब एक कामधेनु आयोग बनाया जा रहा है जो गाय की रक्षा और सुरक्षा से जुड़े तमाम कायदे कानूनों को सही तरीके लागू करने में सहायक सिद्ध होने वाला है। इसके लिए 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था बजट में की गई है, और ये बजट तो 3 महीने के लिए था। भाइयों और बहनों, ऐसे बड़े काम तभी संभव हो सकते हैं जब सेवा भाव से आप काम करते हैं, जब साफ मन से आप काम करते हैं। बीते 4.5 वर्ष से आप सभी के आशीर्वाद से ऐसे अनेक काम थे जिनके बारे में सिर्फ चर्चाएं ही हुआ करती थी। अब जब ये बातें जमीन पर उतर गई हैं, तब एक विश्वास जगा है कि मोदी है तो मुमकिन है। साथियों, राजस्थान के मेरे भाइयों बहनों और खासकर मेरे फौजी भाइयों को याद होगा कि कैसे 40 साल से उन्हें वन रैंक वन पेंशन के नाम पर झूठे दिलासे दिए गए। सिर्फ 500 करोड़ रुपए की बातें करके कहा गया कि वन रंग वन पेंशन लागू हो जाएगा, लेकिन फिर भी किया नहीं। 40 साल आज जवानों के नाम पर आंसू बहाने वाले लोगों को उनके मुंह में शब्द शोभा नहीं देते। ये हमारी सरकार है,
जिसने वन रैंक वन पेंशन लागू किया और 20 लाख पूर्व फौजियों को लगभग 11,000 करोड़ रुपए के एरियर भी दे दिए। ये काम इसलिए हुआ क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। भाई और बहनों, आप मुझे बताइए, क्या कोई सोच सकता था कि ऐसी सरकार आएगी जो गरीब की रसोई से धुएं खत्म करने के लिए काम करेगी? लेकिन उज्ज्वला योजना के तहत राजस्थान के करीब करीब 50 लाख गैस कनेक्शन देकर हमने ये भी संभव कर दिखाया। ये भी काम हुआ है क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। साथियों, हमारे देश में गरीबों को घर देने की योजनाएं भी कई दशकों से चलती रही थी, लेकिन गरीबों को घर के लिए ठोस काम नहीं हुआ। पहले की सरकारों के समय एक एक घर बनने में 3-3 साल लग जाते थे। अब हमारी सरकार 2022 तक देश के हर बेघर को पक्का घर देने पर तेज गति से आगे बढ़ रही है। 4.5 साल में 1.5 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों को पक्के घर की चाबी दे दी जा चुकी है। हम लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं और इससे पाकर रहेंगे क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। साथियों, क्या कोई सोच सकता था कि सिर्फ 4.5 साल में राजस्थान के 2.5 करोड़ गरीबों के बैंक खाते खुलवाए जाएंगे? ये हुआ है क्योंकि मोदी है तो। इसी तरह क्या कोई सोच सकता था कि सिर्फ 1 रुपये महीना और 90 पैसे प्रतिदिन के प्रीमियम पर गरीबों को 2-2 लाख रुपए का बीमा सुरक्षा कवच मिलेगा? लेकिन ये भी हुआ है और राजस्थान के करीब करीब 70 लाख गरीब परिवार इससे जुड़े हैं। ये काम हुआ है क्योंकि मोदी है तो। साथियों, सरकारी सेवाओं और शिक्षण संस्थाओं में सामान्य वर्ग के गरीब बच्चों को आरक्षण का मामला ही लीजिए। दशकों से इसको लेकर मांग हो रही थी, लेकिन संविधान में संशोधन जैसा गंभीर प्रयास किसी ने नहीं किया। इसके पीछे नियत की कमी भी थी और केंद्र में पहले जो बिना बहुमत वाली सरकारें थी उनकी अपनी मजबूरी भी थी। लेकिन आपने जो मजबूत सरकार 4.5 वर्ष पहले बनाई उसने ये हौसला दिखाया और आज गरीबों को 10% का आरक्षण हकीकत बन गया है। ये काम भी इसलिए हुआ क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। आरक्षण की ये व्यवस्था किसी भी वर्ग के आरक्षण को छेड़े बिना उनके अधिकारों को बनाए रखते की गई है। इतना ही नहीं, जो हमारे उच्च शिक्षा के संस्थान है उसमें सीटों की संख्या 25% तक बढ़ाने का भी फैसला लिया गया है ताकि बाकी साथियों को भी कोई परेशानी झेल लेना पड़े। भाई और बहनों, टोंक में तो मशहूर वनस्थली विद्यापीठ है,
जिसने देश में लंबे समय तक शिक्षा और अवसरों से वंचित रहे वर्ग, हमारी बेटियों को सशक्त करने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। मुझे बताया गया है कि वनस्थली में जो अटल इंक्यूबेशन सेंटर बनाया गया है, वहां पर हमारी बेटियां स्वास्थ्य और कृषि से जुड़ी बेहतरीन रिसर्च कर रही है, ऐसे उत्पाद बना रही हैं जो जमीन पर अपना प्रभाव दिखा रही है। कुछ समय पहले मेरी यहां की कुछ छात्राओं से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात भी हुई थी। साथियों, बीते 4.5 वर्षों में बेटियों की शिक्षा से लेकर रोजगार के साधनों से जोड़ने के लिए भी महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का राजस्थान में अनेक जिलों में बहुत सकारात्मक प्रभाव देखा गया है। राजस्थान की ही भूमि से हमारी सरकार ने राष्ट्रीय पोषण अभियान की भी शुरुआत की थी। मातृत्व अवकाश को 12 हफ्ते से बढ़ाकर 26 हफ्ते करने का फैसला, या फिर बेटियों को फाइटर पायलट बनाने का फैसला, ये तभी संभव हो पाया जब केंद्र में पूर्ण बहुमत वाली एक मजबूत सरकार रही है, भाजपा की सरकार रही है। साथियों, आज देश आत्मविश्वास से भरा है। ये तभी हुआ है जब दशकों के इंतजार के बाद वन रैंक वन पेंशन प्राप्त हुई, किसानों को सीधी सहायता मिली, गरीबों को आरक्षण मिला, मुफ्त इलाज की आयुष्मान योजना मिली, देश की साख बढ़ी और दुश्मन में करारे जवाब का खौफ पैदा हुआ। ऐसे अनेक कारण हैं जिसकी वजह से देशवासियों को लगता है कि मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन मोदी को आपके आशीर्वाद से ही शक्ति मिलती है, आपके एक एक वोट से शक्ति मिलती है। आपका ये आशीष बना रहेगा, इसी विश्वास के साथ इतनी बड़ी तादाद में जोम और जुस्से के साथ किसान हो, जवान हो, बहन हो, बेटियां हो, आप आशीर्वाद देने के लिए आए, मैं हृदय से आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की। दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने जो आह्वान किया है